रथं लड़ांसि वंदन करिष्ये विपुल प्राण निज मन सूर्य गुरु सेवत गोविंद गुरु गोविंद हरिदास श्री हरिदास जीवत है नम कुंज विहारिणी नम कुंज विहारिणी नम श्री हरिदास मुख्य सख्य श्री हरिदास नमस्तुभ्यं गंगारण्य निवास विहारिता नमः प्रेमैकमूर्ते वृंदाटभीरज पाचो निभवर्ण्य निवास गान विद्यानो स्वामी शरण विवरील संहारित और कर सके अपने को अनंत के बोल डारे को विहार लाड़ी तुम सब कुछ मैं तेरी गुरु तू मेरी हित जान नदी जो जगत परशु पद सुख जो विगरे गिरा कोई जगत भूल छुड़ाओ लाड़ी समझ दियो भरपूर यह बात तिहारी हाथ मेरी सजीवन मेरी लाज लाड़ी को ही सवई तुम्हारे हरिदास तुम्हारे चरण कमल जय यमुना जय श्री वृंदावन जय गुरुदेव सर्वसुखदा जय यमुना जय श्री वृंदावन जय गुरुदेव सर्वसुखदा।
श्यामा जय कुंज बिहारी जय मधुवन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्यामा कुंज बिहारी विठल विपुल बिहारी श्यामा कुंज जय श्री सरस नर कुवन जल श्री हरिजू महाराज की जय स्वामी जू महाराज की जय वृंदावन चंद जू की जय समस्ताचार्य वंदन की जय गुरुदेव चरणारविंद आचार्य प्रवर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज की चर्चा उनका प्रसंग आप लोग प्रेम भाव से श्रवण कर रहे हैं। आज भी महाराज श्री का प्रसंग आप श्रवण करोगे। पूर्व प्रसंग में मोहम्मद सहा स्वामी जी महाराज के चित्र को देख के निरख के श्री ललित किशोरी देव जी महाराज के दर्शन के लिए लालायित हुआ और इसके उपरांत एक चित्र में ही दर्शन करके महाराज के अति तृप्ति उसको प्राप्त हुई। बोलो स्वामी जी महाराज। और तख्त परिपम्मा का प्रसंग आपने सुना कि युगल विराज रहे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज के संग और सहज जो है जुगल दास ने प्रणाम करी तो वो प्रसंग भी आप लोगों ने श्रवण किया। आज के प्रसंग में लल्ला भट्ट जी को कैसे झांकी भई वो प्रसंग श्रवण करो। बोलो स्वामी जी। ढाकन सखी सिरावन हु पुने अपर ओर छे के ध्वज आए तिन बिच एक भट्ट गुजराती लल्ला नाम सवन मन भाई। ओरछा के कुछ जन श्री धाम वृंदावन में आए उनके बीच में एक लल्ला नाम के गुजराती लल्ला भट्ट नाम के गुजराती भी आए।
तीनों दर्शन ललिते जू को, ललित सुभेट मिठाई ल्याई। स्वामी श्री ललित कृष्ण देव जी महाराज को सहित दर्शन किया और भेंट के लिए मिठाई लाई महाराज। भोग लगाए दही सब हिनको, कृपा रंग सब पर बरसाई। भोग लगाए के महाराज ने सबको प्रसाद दियो। पुनि गुजराती हूँ भरे दोना, धरे आगे निज बैठक आयो। भई बेर नहीं भोग लगायो, लल्ला भट्ट महासकुचायो। अब एक दोना में भर के वो गुजराती लल्ला भट्ट बहू ने भोग लगायो ठाकुर को, लेकिन देखा के बाकू अर्पण ना करो प्रकट रूप में, तो लल्ला भक्त के हृदय में कछु जो है दुख है गो कि मेरी मिठाई को ठाकुर जी को भेंट नहीं कियो है। मेरी धरी मिठाई ताको जो कदाच नहीं हरी जीवा में, तो मेरी सब करें हांसी जहां तां जब तब मोहि खिजा में। अगर मेरी मिठाई को भोग महाराज श्री नहीं लगाएंगे ठाकुर को, तो सब जगह मेरी बुराई करेंगे ये मेरे संग के लोग कि तुम्हारी मिठाई ठाकुर ने स्वीकार नहीं करी, महाराज ने स्वीकार नहीं करी। रोम रोम प्रति अमित उदासी, जानी हम तो नाहीं सभागे। यो मन गुणत लखत स्वामी, तन स्वामी इत उत चितवन लागे। रोम रोम प्रति अमित उदासी, बाकी रोम रोम में उदासी छा रही बेचारे के मैं, कि जानी हम तो नाहीं सभागे, हम सभागे नहीं हम तो अभागे हैं, महाराज ने हमको अपनाया ही नहीं। यो मन गुणत लखत स्वामी, तन स्वामी इत उत चितवन लागे। ऐसे विचार करते कराते और स्वामी जी की तरफ देख रहे हो चकोरवत दृष्टि से, स्वामी जी महाराज इत उत्कूत देखने लगे। हरे हरे दोना पर आई दृष्टि अमनिया, भोग लगावा। और इधर उधर देखते करते फिर वह दोना पे दृष्टि महाराज की आई ललित किशोर देव महाराज। एक संग श्याम श्यामा, स्वामी ने लीन ग्रास भट्ट दर्शावा। हरे हरे दोना पर आई दृष्टि अमनिया, भोग लगावा। अमनिया दोनाओ, तो जैसे दृष्टि पड़ी है दोना पे, तो एक संग श्याम श्यामा, स्वामी ने लीन ग्रास भट्टे दर्शावा। तो एक ही संग प्रिया प्रीतम ने वह दोना में से ग्रास लियो और वो दर्शन लल्ला भट्ट को कराई। तो तू चिंता कर रहा, तेरे दोनों में तो एक साथ ही प्रिया प्रीतम ग्रास ले रहे हैं। बोलो बिहारी जी महाराज। महाप्रसन्न भयो गुजराती, छाती भरी प्रेम सो जाकी। अति प्रसन्न है गयो गुजराती और जो है प्रेम सो जो हृदय भर गयो। यह मरम काहू नहीं जानो, जिम झाकी बाकी और आकी। ये मरम केवल लल्ला भट्ट ने जानो के महाराज जान रहे और काऊ ने नहीं जाने, क्योंकि वस्तु अधिकारी को प्राप्त होती है। सभी विराज रहे हैं लेकिन इस मरम की जानकारी और किसी को नहीं। प्रेमियों को प्रेम प्राप्त होता है, अधिकारी को वस्तु प्राप्त होती है। या ही भात अनेकन को, जिन जुगल अनूप रूप दर्शाए। प्रिया प्रीतम का रूप बहुत भावुक जनों को महाराज ने दर्शन कराया। सहस शरण भजो निस्वासर, होइन कर दरबर मन भाई। सहस शरण देव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया निस्वासर स्वामी श्री ललित किशोर देव जी महाराज के चरणन में, उनकी वाणी में प्रीत कर लो, विश्वास कर लो और तुम्हारे शीघ्र ही मन भाई है जाएंगे। बोलो बिहारी जी महाराज की। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज के शिष्यन को वर्णन आप लोग अब श्रवण करेंगे, उनके प्रसंग कैसे हैं। ये स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज की कथा प्रसंग आपने
अल्प रूप सो सूक्ष्म रूप सो जैसो भी टूटी फूटी वाणी सो बुद्धि सो जैसो बड़े उनकी कृपा सो स्वामी महाराज की कृपा सो कहवे में आयो आप लोगों ने श्रवण किया। बोलो स्वामी जो महाराज की जय। अब जो है श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज की शिष्यन को वर्णन आप श्रवण करो। माधव दास महाभिज्ञानी भली भांति बानी तिन जानी लाल दास लाल हैं लखलीना बस बन माए भजन अति कीना। एक माधव दास जी थे महाराज के शिष्य भली भांति बानी तिन जानी अति बाणी का बोल था आपको। एक लाल दास जी थे लाल दास लाल हैं लखलीना बस बन माए भजन अति कीना। लाल दास जी थे उन्होंने ठाकुर के सहित दर्शन किए और श्रीधाम वृंदावन में बसिके और विशेष भजन साधना करी। निधवन दास नेह को सागर ललित मोहनी को लख नागर। श्री निधवन दास जी थे वो साक्षात नेह के सागर ही थे। ललित मोहनी को लख नागर और श्री ललित मोहनी देव जी महाराज तो एक जो है परम शिष्य थे। बंधन को निज नार नवाई तन तज मिलो जुगल को जाई। जैसे ही ठाकुर के बंधन को महाराज के बंधन के लिए नार नवाई है और जो है निधवन दास जी सहज ही और निकुंज धाम में प्रवेश हो गया। ऐसे उनका शरीर छूटा दंडवत करते करते शरीर छूटा था। राधा मोहन अति बड़े भागा ललित मोहनी में मन लागा। एक राधा मोहन दास जी थे उन वो भी अति बड़े भागी थे। खेम दास जी खेम निकेतु सरस विराग ललित हित हेतु। एक खेम दास जी थे उनका जो है सरस विराग था और जो है श्री स्वामी ललित किशोर देवी महाराज के चरणों में अति हेतु था। श्यामा दास हैं को सिर नाम तिन कर कछुक चरित्र सुनाऊं। श्याम दास जी थे उनके लिए मैं शीश नवाता हूँ। श्री शशि शरण देवी महाराज कहते हैं श्यामदास जी के लिए बार बार शीश नवाता हूँ और उनको कछु चरित्र बखान करता हूँ। तो श्यामदास जी का चरित्र जो है श्रवण करोगे। कदली को बल कल मंगवाई ताही की कोपीन बनाई। महाराज वो जो है कपड़ा की कोपीन भी ना पहरे कदली की यानी केला की कोपीन धारण करते थे। शरीर में तो कपड़ा धारण ही नहीं कोपीन भी केला की धारण किया करते थे। श्यामादा जी की तिन ही को कंथा बनवायो ताय धार के हरि गुण गायो। और केला कोई कंथा और सहज बिहारी व्यारण के भजन में आयु करुआ और बाकी पुण्य सो है कठिन की कंठिन की उपमा को है। करुआ जी और बाकी सहज सुशोभित होती और कंठिन की उपमा को है। और कंठी जो है जैसे श्री ललित किशोर जी महाराज धारण करते गले में बहुत कंठी ललित मोहन देव जी महाराज धारण करते ऐसे श्यामा दास जी करते। भाल बिंद्रज कौल असत मानव इंदु उद्योत बदन मनोहर निरख जन होत प्रीत को स्रोत। भाल बिंद्रज कौल असत और सहज ललाट पर रज लगी हुई है और ऐसे सुंदर लगते मानव इंदु उद्योत जैसे चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। बदन मनोहर निरख जन होत प्रीत को सोत उनके दर्शन करके सभी जनों के हृदय में प्रेम जागृत होता था। कुटी अनूप साज के विराज के कृपा मई लई सुरीत प्रीत की प्रतीत धार धाम की। जिते बसे जहान के न जानी तिथि कछु न मान मोह ईर्षा महान लाग नाम की। प्रिया प्रिय प्रिया प्रवीण श्याम की प्रभान मीन हुए रहो रंगीन चित्र चाहे लेन चाहे दाम बाम की। भव प्रभाते बचो सुधर्म चित्त ही सचो श्यामा सुदास मानसी करी सु आठ जाम की। बोलो स्वामी जी। कुटी अनूप साज के विराज के कृपा में एक अनूप कुटिया में विराजते आप। लई सुरीत प्रीत की प्रतीत धार धाम की एकमात्र बिहारी बिहारन के प्रेम में लीन तल्लीन रहते थे और धाम की अपार निष्ठा थी उनके हृदय में।
श्री धाम वृंदावन। जिते विषय जहान के न जान ही तिते कछु, जो विषय विकार हैं संसार के, वो विषय विकारों के विषय में तो जानते ही नहीं थे क्या विषय विकार होते हैं। न मान मोह ईर्षा महान लाग नाम की, न मान की इच्छा है, न मोह है किसी से, न ईर्षा है, एकमात्र स्वामी जी के नाम की, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, नाम की ही लगन है। आठों पहर प्रिया प्रवीण श्याम की प्रभान मीन वे रहो, रंगीन चित्त चाह ले न चाह दाम बाम की, एकमात्र बिहारी विहारिन की अवलोकन में, उनकी केल अवलोकन में, नाम जाप में मीनवत जो है सहज जो है परायण है। रंगीन चित्त चाह ले न चाह दाम बाम की, कोई भी दाम बाम की चाह नहीं है किसी तरीके से। रंगीन चित्त चाह एकमात्र बिहारी विहारिन के अवलोकन की चाह है। भव प्रभाते बचो सुधर्म चित्त ही सचो, और संसार के प्रभाव से आप दूर थे, एकमात्र सुदृढ़ धर्म था, अनन्य धर्म था हृदय में। श्याम सुदास मानसी करी सु आठ जामसी, आठो याम श्यामादास जी मानसी चिंतन में रहते थे। बोलो बिहारी जी, मंजु मनोहर मूरत देखी, कल को मलवर बचन विशेखी, रूप अनूप बिलोचन छाके, धन्य जन्म तिनके तिन ताके, ललित कुटी दुखनी बनवाई, खन बिच द्वारी एक रखाई, बाहर को बर बार सुहावन, दृढ़ कपाट ताकर मन भावन, तहां बस भजन कीन निस्वासर, सरस विरक्त न को उतासर, श्री भागवत कथा रस राशि, मन तिन तिन को ताकर वासी। हरि जी महाराज, मंज मनोहर मूर्त देखी, कल कपूल वर बचन विसेखी, सुंदर स्वरूप था महाराज का, रूप अनूप बिलोचन छाके, धन्य जन्म जिनके तिन ताके, कैसा सुंदर स्वरूप था उनका, उनके जिन्होंने दर्शन किए हैं जिन महानुभावों ने, उनका जन्म भी धन्य है। ललित कुटी दुखनी बनवाई, खन बिच द्वारी एक रखाई, उनकी दुखनी कुटी दुमजला कहो, दुमजला कुटिया, और खन बिच द्वारी एक रखाई, और ऊपर के खन में एक दरवाजा छोटा सो राख, बाहर कोबर बार सुहावन, दृढ़ कपाट ताकर मन भावन, और बाकी कपाट बड़े कड़े बड़े बड़े मोटे कपाट है, आके किबा रहे दुख नहीं, तहां बस भजन कीन निस्वासर, सरस विरक्त न को, वही बा में बस प्रवेश करके वही में भजन करे निस्वासर, चुपचाप कपाट बंद करी किबार बंद करी, चुप उसी में जो है भजन करे। तहां बस भजन कीन निस्वासर, सरस विरक्त न को उतासर, श्री भागवत कथारस राशि, मन तिन तिन को ताकर वासी। कोई विशेष ज्यादा कोई प्रेमी जन आते थे तो उनको भागवत जी का प्रसंग सुनाते थे, जैसा जैसा साधक होता है, विशेष महाराज की स्वामी जी महाराज की रस रीति की बात तो जो रसिक जो रस के लायक थे उनको ही बताते, बाकी श्री भागवत जी का प्रसंग सुना के उनको भक्ति में आरूढ़ कर देते थे। बोलो यही जो महाराज, सेठ साहु राजा दिक आए, चरण सरोजन को सिर नाई, सेठ साहु राजा दिक आए, संत महापुरुषों की बड़ी लीलाएं होती हैं। स्वामी जी का देश, स्वामी जी का रस देश बड़ा ही गूढ़ है, और श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं गीता श्री भागवत मिलके वचन उचार, कि गीता और भागवत जी से मिलके वचन उचारना, भैया बात बोलनी है, सत्संग करना है, जो भी जन आए सबके कल्याण के हेतु होते हैं संत महापुरुष, जैसे जैसे अधिकारी होते हैं उनको उसी तरीके से उनको भक्ति में लगाते हैं महापुरुष लोग, भागवत जी के द्वारा
संसार के आसक्त जीवों को प्रथम भागवत जी के द्वारा और ठाकुर के चरणों में लगाया जाता है। जब क्रम क्रम से जब वो समझ लें भागवत जी को कोई प्रसंग को आरूढ़ हो जाए, फिर स्वामी जी महाराज की रीति रस रीति और उनके हृदय में डाली जाती है। अगर वो पात्र नहीं है तो उनको जो है स्वामी जी की गूढ़ रीति में प्रवेश नहीं कराते हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। सेठ साहू राजा देख आए, चरण सरोजन को सिर नाए, काहू की आशा नहीं राखी, संत महंत सकल जन साखी। बहुत से सेठ साहूकार आए, चरण सरोजन को सिर नाए और महाराज के चरण सरोजों में नतमस्तक हुए। काऊ की आशा नहीं राखी, संत महंत सकल जन साखी। सबकी आशा पूर्ण हो जाती थी। कृष्ण जी के जीतन हारे, कोट कोट बढ़ तिन परवारे। जो है कृष्ण और जिव्या को जीतने वाले थे, काम आदि के विकार और जिव्या का विकार, खान पान का विकार, ये सबको महाराज ने जीत लिया था। कोट कोट भट तिन परवारे, करोड़ों करोड़ों भट उन पे वार फेर हो जाए, ऐसे सूरवीर थे आप, इंद्रिय जीत थे। डार प्रतिष्ठा के सिर छारा, चुकटी को व्रत अविचल धारा। और प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, प्रतिष्ठा सुक्री हिष्ठा, अभिमानम सुरापानम, अचर्मान भाव कहते हैं। प्रतिष्ठा की चाहना नहीं थी, अभिमान नहीं था महाराज की हृदय। पाए प्रसाद तो चुकटी को व्रत अविचल धारा, एकमात्र चुकटी करते थे, भिक्षा करते थे आटे की। बोलो बिहारी जी महाराज। करे अंगा करी भोग लगा में, पाए प्रसाद परम सुख पा में। एक जो है अंगा करी को भोग लगा दे, जो बाटी अंगारों पर जो बनाई जाती है वो भोग लगा में, पाए प्रसाद परम सुख पा में। और बाटी बना के और भोग लगा के बिहार जी का सहज उसको पा लेते। कबहू को चून घोर के पी में, जुगल किशोर निरख मुख जी में। कभी बाटी को सेक बे को भी समय ना है, बिहारी बिहारन के लिए अवलोकन में तल्लीन है, तो फिर भी कब तरीका से भूख सताई है, भूख ने छिदा ने सताए हुए, तो सहज आटो ही घोर के पी लियो, ऐसे तल्लीन रहने वाले थे। तो कब हमको चून घोर के पी में, जुगल किशोर निरख मुख जी में। एकमात्र बिहारी बिहारिन के सुख में सुखी रहते थे, जुगल किशोर को अवलोकन करते रहते। भयो तन वृद्ध पुन कंप, जो तुम भाते है महावैराग वर तरण दिन रात है। अब धीरे 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 और तन वृद्ध हो गया, बूढ़े हो गए महाराज, महावैराग वर तरण दिन रात है। और जैसे जैसे वृद्ध हो रहे हैं वैराग भी तीव्र है, वैराग में कमी नहीं है जी। उठोने से शेष लख बल नहीं जाए में, गिरो द्वार माँ जी फसो बपुताई ने। शाम के समय पर उठे का कारण थे और शरीर में बल रहे हो ना, क्योंकि उम्र काफी है और रीति उसी तरीके से निवारे महाराज। और तो गिरो द्वार माझी फसो बपुताए ने, जो है हष्ट पुष्ट मोटो ताजो शरीर रहो महाराज को। और द्वार पे यानी द्वारी छोटी द्वारी रही और द्वारी में गिर गई वहीं, और द्वारी में गिर गई वहीं फंस गई, निकलो ही नहीं गयो। गिरो द्वार माँ जी फसो बपुताई में, शरीर वहीं फंस गो। जो को संत जन द्वार पर आ वहीं, करके प्रणाम निज गिरा को सुना वहीं। कोई संत निकले माँ है के और श्रीअरदास करके जाए महाराज के लिए, तो महाराज सहज कह दें श्रीअरदास, करके प्रणाम निज गिरा को सुना वहीं। ताहिसन कहत जय जय डे डही, बाकसों ललित कोमल विमल जुगल छवि छाकसों।
तो कुछ श्री हरदास करे तो उनके लिए कह रहे हैं जय जय श्री हरदास, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल। और वही में फंसे पड़े काउते न तो यो कह रहे मोह निकार ले न कछु नहीं, उसमें फंसे पड़े। जो को बूझे आप कस हो, कहें हम सुखिए ना हमें सहो। कोई पूछे महाराज आप कैसे हैं, निकर क्यों ना आए, बहुत समय है गो, तो नहीं हम बहुत चैन में सुखी हैं, हम कोई परेशानी नहीं, हम चैन में। और कह दें बोलो श्यामा दास जी की, ऐसे श्यामा दास जी, साधु जन बिनय पुन खोल पट दीजिए, कहें हो खोली हैं धीरजे कीजिए। साधु जन बोले महाराज इतना समय है वो, महाराज के दर्शन भी ना रहे, नीचे उतर के और बाहर भी नहीं आए, कि हे महाराज आप पट खोल दो, हम आपके दर्शन करेंगे। हाँ धीरे धारो न खोलेंगे, अभी तसल्ली लो, ऐसे कह दें। साधु जन विनय पुन खोल पट दीजिए, विनय कहें किवाड़ खोल दिए महाराज, कहें हाँ खोले हैं धीरजय कीजिए। हाँ खोलेंगे, धीरज तो धारण करो भाई। भय दिन तीन यो संत मन सोचई, तीन दिन है गए वहां फंसे फंसे पड़े पड़े, और जन के हाँ भाई धीरज धारण करो खोलेंगे, और हम बड़े चैन में प्रसन्न है, ऐसे ही कहते रहे। सब लोग जल्दी से उनके पास जावे न आए कि महाराज भजन में आनंद में मगन है, इसलिए संत महापुरुषों से सबको जो है भजनानंदियों से डर भी लगता है कि भजन न बिगड़ जाए संतों का। भय दिन तीनियों संत मन सोचही, कहें पट खुली हैं किम दर्श को लोचही। संत लोग कहें तीन दिन है गई महाराज के दर्शन नहीं मिले, व्याकुल है गई सबके सब, कैसे दर्शन मिले महाराज के। कहें पट खुली हैं किम दर्श को लोचही, दर्शन कैसे मिले, ललचा रहे दर्शन के लिए। श्याम है दास ने रीत जैसी ठनी, ललित श्री मोहनी आए तिन सो भनी। ललित मोहनी जी महाराज विराज रहे बाबकर गुरु भाई, तो श्यामदास जी की या रीति को और महाराज के लिए कहो ललित मोहनी जी महाराज की, क्योंकि उस समय विशेष ललित मोहनी जी महाराज तो कही आए के श्री ललित किशोरी देव जी महाराज और उनके शिष्य सबसे प्रवीण श्री ललित मोहन देव जी महाराज श्यामादास जी आजाद। तो ललित श्री मोहनी आए दिन तीन सौ भनी, कही सुन जाओ जन फरस कर धार के। तो काऊ ने बताई महाराज ऐसे ऐसे, वो तो जो है महाराज निकरी ना रहे, तीन दिन तक है गए श्यामादास जी, वो आप या को कछु उपाय करो। कही सुन जाओ जन फरस कर धार के, उन्हें ले आइए मुथन पट फार के। ललित मोहनदेव जी महाराज ने कही भैया ऐसा करो, जाओ और किवाड़ काट के उनको निकाल के ले आओ, किवाड़ों को काट के निकाल के ले आओ। गई जहां निकरजन करी तिन, जैसे ही निरख द्वार फंसे भई छन तैसे ही। को महाराज को मालूम चले गो उनको शरीर छूट गो, यानी फंसे पड़े उसमें इस तरीके से। गए जहां निकर जन करी दिन तैसे ही, निरग द्वार फंसे भई छन तैसे ही। तो द्वार में फंसे भई पूरी तरह। सक्री द्वारी बिच परे श्रीमत श्यामा दास, जाल रंद्र मद चंद्र जनो कीनो अधिक प्रकाश। द्वारी में फंस रहे हैं और कैसा प्रकाश हो रहा है वहां उनका, जिसका कुछ ठिकाना नहीं, रंध्रों में से देखा। तामे तिनको निर्वारे, सावधान बाहर बैठा रे। बहुत ऐसे हो गए, तीन दिन पड़े रहे, सावधान करके बाहर बैठा रहे सब जना। अमित व्यथा व्यापी नहीं कैसे, भीषम को सर्वाधा जैसे। जैसे शरीर छूट जाता है ऐसे है गई मरणासन अवस्था में, लेकिन शरीर छूटा नहीं, जैसे उन्होंने सावधान करें बैठा रहे और वो जो है तुरंत बैठेगे सावधान है। अमित व्यथा व्यापी नहीं कैसे, भीष्म को सर्वाधा जैसे। जैसे पिता भीष्म को और बाणों की बाधा नहीं व्यापी थी, उसी प्रकार श्यामादास जी को तीन दिन तक जो द्वारी में फंसे रहे कोई दुख ही नहीं हुआ उनको। तहा ते तिनको लेके आए, अपर साध सुन के उठधाए। सभी साधु जो है
सुने के उठ गए, और भी साधु थे, सब उठ के धाये, उनको लेके आए। तिनकर दशा विधेय बिलोकी, रह गई एकटक पल गति रोकी। सबने विधेय अवस्था देखी, किनकी तो विधेय अवस्था, इनको तो पता ही नहीं है मैं किस स्थिति में पड़ा हुआ हूँ। अपने प्रिया प्रीतम के ध्यान में चिंतन में मस्त है, शरीर का क्या हो रहा है उनको ध्यान ही नहीं है। ललित मोहनी देखन गयु श्याम दास हरस हरस उर भयु। ललित मोहन देव जी महाराज स्वयं चल के गए देख रहे श्यामदास जी, और श्यामादास जी को देख के बड़े हर्षित हुए, और श्यामादास के हृदय में हर्ष भयो के मुंह को देख में ललित मोहन देव जी महाराज चल के आए। भई परस्पर हित की बातें कहें परत सुख भाद हूं धाते, और दोनों की परस्पर प्रेम की चर्चा गूढ़ चर्चा भई श्री ललित मोहन देव जी महाराज की और श्यामादास जी की। जब लग निज शरीर तिन राखा तब लग जमुना रस एक चाखा। जब तक श्यामादास जी ने शरीर रखा बराबर यमुना जल पान करते थे। पुलिन माय भागवत कथा को बूझ लियो दिन पूरनता को। और कभी कभी जन आते थे उनको भागवत जी का प्रसंग पहले सुना चुके हैं उसको सुनाते थे। सरस दिवस आवा मन जानी तन तजबी की उर्विश आनी। और एक सरस समझ दिन समझ के और तन तजने की और तन तजबी की उर्विच आनी। सहज एक दिन सुंदर दिन अच्छा दिन निर्णय करके कि हम उस दिन शरीर छोड़ देंगे। जैसे बुधवार इतवार दिन तो सभी बराबर हैं स्वामी जी बिहारी जी के हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन से कि हम उस दिन शरीर छोड़ देंगे। सरस दिवस आवा मन जानी तन तजबी की उर्विच आनी। ललित मोहनी मुख अरविंदा ताकर कीने नैन मलिंदा। तन तजबे की उर्विच आनी, सरस दिवस आवा मन जानी तन तजबे की उर्विच आनी। ललित मोहनी मुख अरविंदा ताकर कीन नैन मलिंदा। ललित मोहनी दास तिनकी मूरत मनहरन निरखी श्यामा दास तासी छिन तगत भरी। ललित मोहनी देव जी महाराज आगे खड़े हैं उनके श्यामा दास जी के, और दर्शन कर रहे हैं श्यामा दास जी ललित मोहन देव जी महाराज के, और दर्शन करते करते प्रिया प्रीतम को ध्यान चिंतन करते करते और ताई छिन तदगत भई श्री धाम में प्रवेश कर गए, निपुण धाम प्रवेश कर। बोलो स्वामी जो महाराज की। गांगे जिम जान कृष्ण अनुपम रूप लख तजी दे सुखमान क्यों ही श्यामा दास जू। जैसे पिता में भीष्म ने अपना शरीर जब छोड़ा जब भगवान सन्मुख थे, उसी प्रकार श्री श्यामा दास जी ने अपना शरीर जब छोड़ा जब श्री ललित मोहन देव जी महाराज उनके सन्मुख खड़े हैं। सहज चिंतन करते हुए दर्शन करते हुए वस्तु में निमग्न रहते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलो स्वामी जी महाराज की। ललित किशोरी जू किए शिष्य सरस रस रास तिन सब कर सिरमौर व ललित मोहनी दास। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने बहुत शिष्य किए, स्वामी जी महाराज के बहुत शरणागत हुए, इन सब में सिरमौर स्वरूप श्री ललित मोहनी देव जी महाराज थे। उनका चरित्र आप आगे श्रवण करोगे। बोलो श्यामा दास जी की जय। बोलो श्री ललित मोहनी देव जी महाराज की जय। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। आज का प्रश्न। मन मेरे भाजी ले श्री कुंज विहारी। मन मेरे कव सुख सागर रूप हो जागर कव सुख रूप हो जागर रंग अंग संग प्रीतम प्यारी जन। मन मेरे भजिले श्री वृंदावन घन नवल कुंज में। श्री वृंदावन घन नवल कुंज में
मन मेरे मन मेरे श्री हरि जी महाराज स्वामी जी महाराज की वृंदावन चंद्र की समस्त आचार्य गुरुदेव शरणारविंद की श्री रंगीले बिहारी बहन की रंगीली कुंज की आज के आनंद की श्री ललित सूर्यदेव जी महाराज की श्री श्यामादास जी महाराज की श्री ललित मुनिदेव जी महाराज की जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास। हाँ, सभी साधकों से एक और कहना है कि व्हाट्सएप पे तो जो भी श्रद्धालु जन हैं सत्संग श्रवण करते हैं, लेकिन प्रथम से जो आचार्यों का चरित्र पंचऋषि आज से जो चरित्र शुरू हुआ है 3 महीने करीब पहले, तो वो चरित्र यूट्यूब पे भी दिया जा रहा है धीरे धीरे धीरे, क्यों वो कई जो है संतों ने कई श्रद्धालुओं ने कहा था महाराज ये तो आचार्यों का चरित्र है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आचार्यों के चरित्र को, और जो श्रद्धालु जन जिनको पता भी नहीं है बट सबसे जुड़े भी नहीं है वो भी अगर श्रवण करें तो बहुत अच्छी है। तो हमने बिहारी जी महाराज की इच्छा समझ के यूट्यूब पे भी डालना शुरू कर दिया है, तो श्रद्धालु जन यूट्यूब से भी जुड़ जाएं और जो है प्रेम से श्रवण करें। बोलो स्वामी जी महाराज की। श्री हरदास रहस्य में ही नाम वही है, श्री हरदास रहस्य चैनल यूट्यूब पे भी है।